अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे हो सब? तो वेलकम हो गया आप लोग का न्यूट्रल पॉट्स में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। यार बॉट्स आर्मी, आप जैसे यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं हमारी वीडियोस को, इसी तरह हमारा लिंक दिया गया टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे भी हमें फॉलो करें, लाइक करें हमारी वीडियोस को, प्रमोट करें, आगे देखें। तो आज हम रिएक्ट करने लगे हैं अली रियाज के ऊपर। तो जी उमर भाई करें स्टार्ट पोएट्री वाले। जी जी जी, तो फिर हम करते हैं स्टार्ट। तेरा मिलना सबको बताया था मैंने, अब तेरा बिछड़ना सबसे छुपा रहा हूँ। हाय हाय, इश्क करने के भी आदाब होते हैं, जागती आंखों में भी कुछ ख्वाब होते हैं, हर कोई रोके दिखा दे ये जरूरी तो नहीं, खुश्क आंखों में भी सैलाब होते हैं। मैंने एक औरत को सोने का दिल रखते हुए देखा है और वो मेरी माँ है। मैं मंगदा हूँ तेरी तंदुरुस्ती, सच्चे राती अगे दोवे हाथ जोड़ के, मेरे हिस्से दे भी दुख से। दुआ है कि उसे चोट कभी ना आए, मेरा यार गिरा है मेरी नजरों से। जिथे जाके तू बिके ओ बजाज किथे, ओ मेरे जज्बातां दा होया। अरे भाई वो लड़की चेक कर। वाह यार, अरे भाई देखना, पागल है यार तू, भाभी साथ खड़ी है, कोई काम ग्लासेस के अंदर देख रहे हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। हमारे वास्ते वो एक शख्स काफी है, सिवाय उसके जहां में सभी अजाफी हैं। तू मेरा इश्क है और इश्क में दिल तो क्या, तू जान भी ले ले तुझे माफी है। ये जितने भी मेरे भाई जोरों शोर से जिम कर रहे हैं, वो पूछना ये था कि नाम क्या था उसका। भाई याद आए, शोर बहुत था हमारी कहानी का, जो बहुत खामोशी से खत्म हो गई। अच्छा भला मूव ऑन चल रहा था, साला फिर अरिजीत सिंह का सैड सॉन्ग आ गया। अब तेरी शिकायत करूं भी तो किससे करूं, हर शख्स को बताया था मैंने कि तुझसे बेहतर कोई भी नहीं। इसमें एक लेसन भी है। कभी गुलाब का फूल तो नहीं दिया मैंने उसे, लेकिन माँ फिर भी बहुत मोहब्बत करती है मुझसे। अली क्या यून लबित नफी वा लबित खून, उसके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, मुतमिन ऐसे है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा ना बने, और तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। लड़के बहुत बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर जाते हैं। बहुत अच्छा बन के देखा है मैंने, थोड़ा सा बुरा होने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सीधे दरख्त और सीधे लोगों का अक्सर जल्दी कट जाता है। ये सही बात, बदमाशी चलते हैं। अली भाई जी, भाई आप खुद तो रिलेशनशिप पे इतनी एडवाइस देते हो, खुद सिंगल क्यों हो? कभी कोच को भी खेलते देखा है क्या? कुछ लोग हैं जो मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ बैठे हैं, न दान शायद ये नहीं जानते
कि शेर जब शिकार करता है तो सही वक्त का इंतजार करता है। शेर भी सही वक्त का इंतजार कर रहा है। अली भाई। जी भाई। कैसे पता चलेगा कौन हमें सच्चा प्यार करता है? जो शख्स तुम्हें सजदों में मांगा करे ना, उसकी मोहब्बत पे यकीन करो, क्योंकि हवस कभी नमाजों में नहीं मांगी जाती। ये बात बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ जुड़ा इनसे। ये 2023 है मेरी जान, इस दौर में कभी किसी पे अंधा यकीन मत करना, वरना जिसके साथ तुम फ्यूचर देख रहे हो ना, एक दिन तुम्हें उसकी डीपी भी नजर नहीं आएगी। यार लड़के की बातें कमाल है, जबरदस्त। अली भाई। जी भाई। दोस्त कैसे होने चाहिए? जिंदगी में ऐसे दोस्त जरूर बनाना जो आपके दिल की बात ऐसे समझे जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टरों की हैंडराइटिंग समझते हैं। अली भाई। जी भाई। आज का रिश्ते किस तरह निभाने चाहिए? जो जितना तुम्हारा ना, तुम भी उसके उतने ही रहो, वरना दिल की गुलामी करते करते कब इज्जत की नीलामी हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हम फिर भी करते कि नहीं अच्छे रहे। जितना तुम अपने दिल में लिए फिरते हो, इतना दर्द तो हर रोज मेरे सिर में रहता है। ये संत दिलों की दुनिया है, यहाँ सुनता नहीं फरियाद कोई, यहाँ हंसते हैं लोग उस वक्त जब होता है बर्बाद कोई। अली क्या यून लबित नफ़ वलबित खून, भूखे कुत्ते कभी भी वफादार नहीं होते, वो हर शख्स के पीछे दुम हिलाते हैं जिसके पास खाना होता है, और ये वीडियो सिर्फ कुत्तों के लिए नहीं थी। गोल्ड डिगर। अली भाई। जी भाई। लड़कियों के मेकअप पे एक लाइन हो जो, कुछ लड़कियाँ इतना कर लेती हैं मेकअप, कुछ लड़कियाँ इतना कर लेती हैं मेकअप के मुंह धोने के बाद ही हो जाते हैं उनके ब्रेकअप। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? भाई ये रास्ता कहाँ पर जाता है? भाई रास्ता कहीं नहीं जाता, आपने किधर जाना है? यार मुझे ना तीन तलवार जाना है, तो रास्ता तो बता दे। जाना तीन तलवार? नहीं नहीं कभी भी नहीं। मुझे बोलता मैं तुझे सिखा देता। भाई तस्वीर खींचनी है प्लीज, आईफोन से फोटो ले रहा था। ले भाई ये ले भाई तेरा। चलो भाई आके बंद करो सारे, जल्दी करना। यार आखिरी वीडियो अच्छी थी, मजे की, बड़े मजे की थी। वही लड़के में टैलेंट है, अच्छी शेरो शायरी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बड़ा प्यारा जस्ट किया उसने। और मैं कहता हूँ अली भाई ने जो बातें की हैं, कमाल बातें की हैं। लेकिन समझने वालों के लिए शरा ही काफी है। और बात सबसे मजे की ये थी कि इनकी हर बात के अंदर ना लेसन था। तो आपका क्या फीडबैक है अली रियाज के बारे में, आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताइएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, और बेल आइकन भी लाजमी दबाया करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको फौरन पता चल जाए। तो अच्छी अच्छी वीडियोज फिर देखते रह करें। तो फिर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बोर्ड साहब भी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्शन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।